स्टार्ट होती है, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में? हिंदी ठीक है, हिंदी मातृभाषा है हमारी, हिंदी परफेक्ट है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी, आप जी हमारे अमृत महोत्सव की सीरीज में जुड़े हमारे साथ। अमृत महोत्सव यानी 75 साल भारत के स्वर्णिम इतिहास। स्वर्णिम इतिहास में क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ 75 साल के लिए नहीं, 75 शायद 100 साल तक हम लोग इसकी धरोहर को बटोर सकते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक, योग, आयुर्वेद, ये तीन चीजें भारत की शक्ति है। इसमें क्लासिकल म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, नृत्य, इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य, इन सब चीजों का अभिन्न एक योगदान रहा है भारत की संस्कृति में। आप शहनाई के एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और हम इस कलाकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में जो शहनाई, जिस शहनाई से हमारे संस्कृति में खुशी, कोई भी तरह का कार्यक्रम, शादी ब्याह, उस सब चीज का लाभ जो है शहनाई से ही हुआ करता था। कहीं शहनाई जी बदरी है, मतलब कोई खुशी का माहौल है, कोई खुशी की बात है, उसका मतलब ही होता था शहनाई। और आज हम शहनाई कहीं नहीं सुनते। अब सुनने को मिलता है पीछे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। अब पीछे वाले बाबू गाना कैसे बजाएंगे ये तो मैं समझ नहीं पाता, लेकिन ये जरूर मैं समझना चाहूंगा आपसे कि शहनाई कहाँ चली गई, इसको कैसे हम लाएं और घर घर में शहनाई बजे। घनश्याम, ये जिम्मा आपका है, आप जैसे युवा का है, और आपके माध्यम से जुड़ने वाले करोड़ों भारतीयों का, नए लड़कों का, बच्चों का, और हमारे जैसे मिडिल एज लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व बनता है कि हम आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, आपके माध्यम से भारत की शास्त्रीय संगीत की कला को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शहनाई के ऊपर में आपका तजुर्बा, आपने किस उम्र से सीखना शुरू किया, कैसे आपने सीखना शुरू किया, आज आप क्या क्या करते हैं, कहाँ प्रोग्राम करते हैं, कितनी इसकी मान्यता है विश्व में, भारत में, और आने वाले समय में आप शहनाई के साथ और क्या क्या करना चाहेंगे, आपका तजुर्बा, और हमें ये भी बताएं बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में, उनके साथ जो आपके संपर्क आपके परिवार के रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, उस विषय में भी बताएं। तक और 5 मिनट के लिए शहनाई का जरूर हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। तो नाउ इट्स ओवर टू यू मिस्टर घनश्याम जी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कुछ हमें इस बारे में बताएं। पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और बिस्मिल्ला खान साहब जी, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब मेरे दादा गुरु हैं, परदादा गुरु, और उनके शिष्य हैं रहे पंडित विष्णु प्रसन्ना जी, जो कि मेरे दादा गुरु जी हैं, और उनके शिष्य मेरे गुरु जी पंडित प्रकाश बाबू जी, और उनसे मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। तो बाबा बिस्मिल्ला खान साहब जी से जो शहनाई की तालीम चल रही है वो वहीं से चलती आ रही है, और उनसे मैं अपने गुरुजी पंडित विकास बाबू जी से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। और शहनाई, अगर हम शहनाई को हमें आगे ले जाना है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, गुरुओं की सेवा में करनी पड़ेगी, और जो गुरु बताते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपने शुरुआत कैसे की? मेरी शुरुआत मेरे पिताजी ने करवाई, श्री दीपचंद जी ने। और मैं जब स्कूल जाता था, पिताजी घर में मतलब प्रैक्टिस करते थे, मतलब बजाते थे पिताजी, तो मैं उनको सुनता था, तो काफी मतलब रुचि बढ़ी गई। और हमारे घर परिवार में भी शहनाई है, मतलब संगीती माहौल है हमारे परिवार में भी। वो तो समझ में आता है। आपने किस उम्र से शुरू किया सीखना, रियाज करना? 13-14 साल की उम्र से अच्छा, शुरुआत की मैंने। तेरा। तो जी क्या जी आपने तालीम अभी सारी दिल्ली में ही ली है या बनारस भी जाते आते हैं? नहीं, मेरे गुरुजी हैं पंडित विकास बाबू जी, वो बनारस घराने के हैं, तो मैं उनसे शिक्षा प्राप्त करता हूँ, और जी और बाबा का सुनता हूँ मैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब जी का, उनका रिकॉर्ड है जो वो सुनता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मतलब कुछ सुरों में बात हो जाए। क्या आप प्रोग्राम्स भी करते हैं? हाँ, अभी प्रोग्राम डिजिटल किए मैंने कहीं, ये बनारस में जो BHU है उसमें संकट किया मोचन में था। आपने बजाया कभी? नहीं, अभी नहीं। जी जी अभी तक संकट मोचन में नहीं बजाया, लेकिन जी आप नहीं गए तो जरूर होंगे। जी जी बिल्कुल। आपने शनाई के बारे में कुछ बताइए, शनाई वाद्य के बारे में कुछ बताइए।
जैसे हमने तरुण जी, तरुण जी के बारे में इंटरव्यू किया था, तरुण जी ने हमको संतूर के बारे में बताया कि वो यू नो 100 स्ट्रिंग्स होती हैं, इस तरह की चीजें उन्होंने कई चीजें बताई हैं। शहनाई में एक तो पत्तूर होता है, रीढ़ जिसे बोलते हैं, तो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। शहनाई का ये पत्तूर होता है, रीढ़ बोलते हैं जिसे, ये शहनाई में बिल्कुल एक मुख्य भूमिका निभाता है, जो रीढ़ बोलते हैं इसको, बनारसी पत्तूर। और फिर ये आई है नली शहनाई की, ये इसमें ज्वाइन होती है, फिर जो हमारा पत्तूर होता है वो इसमें ज्वाइन होता है। और ये फिर ऐसे प्ले होती है, आ जाता है जी। आपने स्कूल लेवल में कॉम्पिटिशन्स में हर जगह हिस्से लिए होंगे? नहीं अभी भी, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है अभी, लेकिन डिजिटल अभी प्रोग्राम किए हैं। क्या भैया पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल वगैरह भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं? नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा माहौल कोविड का चल रहा है, तो अभी थोड़ा मतलब इतना हो नहीं पा रहा है, अभी रियाज ही कर रहे हैं। नहीं वैसे आप पढ़ाई क्या करते हैं, आपकी शिक्षा का क्या वो है, बैकग्राउंड है, शिक्षा आपने कहाँ तक ली है, अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा की बात करें? अभी दरअसल मैंने 10th तक ही कंप्लीट की है जी। तो आपका तो अभी कोविड का दिन में रियाज कितने घंटे करना पड़ता है? रियाज तो मॉर्निंग में करता हूँ मैं रियाज, और फिर आफ्टरनून में भी करता हूँ, दोपहर में भी, लेकिन अभी तो माहौल थोड़ा ऐसा चल रहा है, जब समय मिलता है जब रियाज कर लेते हैं। फिर भी कितने घंटे का रियाज करना होता दिन में? 3 से 4 घंटे तक का रियाज, उसको 3-4 घंटे का रियाज करना पड़ता है, मतलब एक टाइम पे, मतलब जैसे कि, तो अगर दिन में टोटल मिला के क्या 4-5 घंटे का रियाज हो जाता है? हाँ 5-6 घंटे तक का हो जाता है रियाज। 5-6 घंटे का रियाज रोज, मतलब सुबह का, दोपहर का और शाम का मिलाते, तीन तीन मिला के 6 घंटे का रियाज हो जाता है। और ये पूरा गले पे प्रेशर पड़ता है आपके गले? नहीं ये दरअसल फूक का जो होता है, गले पे भी प्रेशर पड़ता है, जो माउथ का है सारा ये पड़ता है, तो लेकिन ये तो रियाज जब प्रैक्टिस हमारी पड़ता है। आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके शायद परदादाजी, आप लोग सब लोग शहनाई से जुड़े हुए हैं, जी, तो जी। आपको क्या लगता है कि शहनाई किस कारण आज हमारी संस्कृति से, हमारे घर घर के वातावरण से, कहीं पर भी किसी भी शादी में मुझे याद नहीं कि मैंने शहनाई सुनी लास्ट 5 सालों में, खास करके जब से ये सोशल मीडिया का उत्पात मचा है, एक एक, एक उपद्रव मचा हुआ है, तब से मैंने शहनाई कहीं नहीं सुनी। क्यों ऐसा क्यों होता है, जबकि शहनाई तो मतलब शादी का मतलब ही शहनाई होता था। दरअसल अभी शहनाई तो खैर बचती है, लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं शहनाई का, लेकिन अब दरअसल डिजिटल चीजें इतनी हो गई है, तो फिर बुलाते हैं लोग बाग, काफी बुलाते हैं, जिनको मतलब आनंद होता है, जो मतलब इसके चाहने वाले हैं वो बुलाते हैं, वो बजवाते हैं शहनाई। लेकिन अभी जैसे डीजे हो गया, ये डिजिटल म्यूजिक ऑन, ये सब मतलब थोड़ा हो रहा है ज्यादा। अच्छा घनश्याम ये बताइए आप कि आगे जाके आप शहनाई के माध्यम से पूरे विश्व में क्या एक संदेश फैलाना चाहते हैं? मैं ये फैलाना चाहूंगा कि जो बाबा की शहनाई है वो बजा के गए हैं, उनके चरणों के आशीर्वाद से वो शहनाई दोबारा मैं अपने देश को शहनाई के जरिए रिप्रेजेंट करूं, उनके माध्यम से उस्ताद बिस्मिल्ला खान सर जी के, अपने गुरुजी पंडित विकास बाबू जी के माध्यम से, और अपने मेरे जितने भी बड़े हैं मेरे पिताजी, इन सबके माध्यम से मैं वो अपने देश को रिप्रेजेंट करूं अपनी शहनाई से। क्या भारत सरकार की तरफ से आपको कहीं बजाने के नियोते आते हैं, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की तरफ से? नहीं अभी तो नहीं भाई। अच्छा आप क्या नाम है कि यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटीज आप, क्योंकि आपने स्कूल तक ही पढ़ाई करी है अभी तक, लेकिन क्या इस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में
लोकल इवेंट्स में भी, देश देश में भी कई जगह जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स में भी क्या भागीदारी आपने करी है या सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही करते हैं? नहीं नहीं भागीदारी ली है, जैसे कि इवेंट होते हैं उसमें भी हम परफॉर्म करते हैं। और जी अभी शाज़े दिल हुआ था जो कार्यक्रम शोमा घोष दीदी ने करवाया था, उसमें भी मैंने मतलब कोशिश की थी। कहाँ पर? ये डिजिटल ही हुआ था। अरे जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप शोमा जी मतलब पद्मश्री शोमा घोष जी? जी जी। अरे बिस्मिल्लाह खान की जी की मुंह बोली बेटी जो है वो तो खैर बहुत ही मतलब बढ़िया कलाकार, और हमारी वो हमारी मुंह बोली बहन है हम ये बोल सकते हैं। शी इज अ वंडरफुल लेडी, बहुत ही अच्छी औरत है वो और बहुत अच्छी कलाकार है। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में सब जगह फंक्शन किए हैं, और मैं इस चीज का गवाह भी हूँ कि कितना वो सुरीला गाती हैं। तो इस तरह से आप ये बताएं कि अब आने वाले समय में आपको क्या चीजें, क्या सहूलियतें ऐसी मिले जिससे कि आप अपने इस टैलेंट को पूरी तरह से उभार पाए, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक पारिवारिक एक लेगेसी है। एक तरह से आप आते हैं एक परिवार का, आपका एक ऑलरेडी डायनेस्टी है जिसमें शहनाई जो है वो अभिन्न अंग है आपके परिवार का। तो इसमें अब आपको क्या सुविधाएं मिले, सहूलियतें मिले, या आप क्या चाहते हैं जिससे कि आपको शहनाई को अपने शिखर तक पहुंचाने में आसानी? पहली चीज तो जी प्रैक्टिस ही है, रियाज। मतलब रियाज अच्छा होना चाहिए, जो मतलब शहनाई हो, कामयाब हो, रियाज होगा तभी शहनाई आगे मतलब आ पाएगी। और दूसरा क्या है, अभी कोविड में तो ऐसा माहौल हो गया कि जितने भी सारे कार्यक्रम रहे वो सारे बंद ही हो गए, सब कुछ मतलब बंद ही हो गया। मतलब शहनाई सबसे ज्यादा किस वाद्य के साथ में सुनने में अच्छा? मैं तो कुछ पता नहीं है देखिए इन चीजों के बारे में। शहनाई किस वाद्य के साथ, क्या वो तबला के साथ ज्यादा चलती है, किसके साथ ज्यादा बजाई जाती है? नहीं, तबला तो एक मेन रिदम है, तो विदाउट तबला तो एक अधूरा ही है। मतलब तबला तो मेन ही है इसमें, लेकिन इसमें एक दुक्कड़ भी होता है जो बनारसी दुक्कड़ जिसे कहते हैं, जो शहनाई बताएं उस बारे में, जो तबले के सामने बिल्कुल जो बजाते थे ना बाबा के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जी के साथ जो बजता था बनारसी दुक्कड़। मैं नहीं पता। जी जी जी, वो एक चीज होती है दुक्कड़। और अगर वैसे इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो सितार के साथ भी बजती है शहनाई, सरोद के साथ भी बजती है, वायलिन के साथ भी बजती है। तो क्यों ना, अभी तो ना सितार है ना तबला है, लेकिन घनश्याम चंद हमारे साथ हैं, तो क्यों ना शहनाई की कुछ 5 मिनट की बहुत कोई अच्छी कुछ धुने हम सुने आपसे, क्योंकि ये तो लोगों को याद रखना है। जी जी जरूर सर। मैं पहाड़ी धुन बजाना चाहूंगा, तो इजाजत है? पहाड़ी धुन मतलब क्या, एक राग है पहाड़ी? नहीं, धुन है, धुन जैसे कजरी होती है, चेती होती है, ठुमरी होती है, ऐसे बनारसी वो है पहाड़ी धुन। धुन और राग में क्या फर्क होता है? राग में एक, दरअसल राग में एक सीमा होती है, एक लेयर होती है कि हम उससे बाहर नहीं जा सकते। राग का एक चलन होता है, जो उसके स्वर होते हैं, जो नोट्स होते हैं, हमें उसको लेके मतलब उसको प्रेजेंट करना होता है उसको लेके। लेकिन जो धुन है उसमें हम उसका जो चलन है वो बजाते हैं, लेकिन हम कुछ भी मतलब उसमें बजा सकते हैं, कहीं से भी मतलब घूम फिर के मतलब हम उसमें कर सकते हैं धुन में। लेकिन राग की एक सीमा होती है, बस ये अंतर है इसमें। धुन राग पे, धुन राग पे आधारित होती होगी? हाँ, सुरों पे आधारित होती है धुन भी। राग का एक राग का एक अलग होगी और धुन का एक अलग होगी, लेकिन जो धुन के, जो अगर हम धुन में बजाए तो जो स्वर है वो उसी पे ही आधारित है, राग पे ही। पहाड़ी किस पे है? पहाड़ी जैसे कि हम वैसे पहाड़ी राग पे नहीं है लेकिन धुन ही है वो, जैसे कि हम गा लगाते हैं तो वो स्वर पे आधारित है एक तरीके से, उसमें गा लगता है, पा मध्यम मतलब जो जो हम लगाना चाहें उसमें स्वर, वो लगते हैं धुन में।
चलिए अब ये बातें तो होती रहेंगी, अब असली चीज पे हम आ जाएं, थोड़ा शहनाई सुने आपसे। जी जी बिल्कुल। घनश्याम आप वीडियो बंद करके 2 मिनट आराम से तैयार हो जाइए, वीडियो बंद कर लीजिए, 2 मिनट वीडियो बंद कर लीजिए, 2 मिनट आप तैयार हो जाइए, फिर आराम से करिए। जी जी बिल्कुल। शुरू कर सकते हैं। Thank you.
थैंक यू घनश्याम, इट वॉज वंडरफुल। मतलब बहुत ही, मतलब अगर ये हम किसी ऑडिटोरियम में बैठ के सुने माइक पे, तब तो मजा ही चार गुना बढ़ जाएगा इसका। अगर ये इसमें ही सुन के इतना अच्छा लगा और इतना मधुर लगा, मेलोडी का कोई विकल्प नहीं है, सुरों का कोई विकल्प नहीं है, ये शहनाई से ज्यादा और कौन बता सकता है। ये बताए, शहनाई और बांसुरी में क्या फर्क है? शहनाई और बांसुरी में, शहनाई में जो रीड होता है, जो अभी मैंने बताया ना आपको, जो पत्तूर होता है वो रीड होता है शहनाई में, और फ्लूट में रीड नहीं होता, उसको सिर्फ हम फूक से, जो उसमें जो होल होता है ऊपर, उसमें फूक करके हम बजाते हैं फ्लूट को। और जो शहनाई में हमें वो पत्तूर से बजाना पड़ता है, क्योंकि उसमें रीड होता है, और उसमें रीड नहीं होता। लेकिन दोनों बांसुरी में, शहनाई भी और बांसुरी भी।
दोनों का फूक का ही काम है उसमें। मुझे मुझे वो धुन बड़ी पसंद है जो शादियों में बजती है, शहनाई में जो बजाते हैं, बड़ा मुझे मजा आता है। लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे घनश्याम, अपने इस संगीत के माध्यम से, कि कैसे ये लोग प्रोत्साहित हों और क्लासिकल म्यूजिक को अपनाने के लिए, उसको अपनी धरोहर को लेके उस पर गर्व महसूस करने के लिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और ये हम आपसे जानना चाहेंगे। संदेश में तो अभी खुद ही मतलब स्टूडेंट हूँ संगीत का, लेकिन मैं ये थोड़ा कहूंगा कि जो आने वाले हैं, जो आने वाले मतलब एक पीढ़ी है, वो अपने मतलब रियाज पे फोकस करे, रियाज करें, और जो गुरु जो बताते हैं उस चीज को वो फॉलो करें, और जी जो जो मतलब वो अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने बड़ों को किन्हीं को मानते हैं, उनको फॉलो करते हुए आगे जाए, अपने मतलब अपने जो चलन है वो संगीत ही रखे। मतलब ये बहुत बड़ी बात आपने करी, जैसे कि जो हमारा जो एक अपना चलन जो है वो संगीत रखे, और हम भी यही चाहेंगे कि प्रोत्साहित का मतलब हम सिर्फ आने वाली पीढ़ी नहीं, आप खुद आने वाली पीढ़ी हैं। ये पीढ़ी जो आपकी है, आप खुद 20-21 साल के हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की जो युवा पीढ़ी है, ये भी आप जैसे लोगों को देख के खुद ही प्रोत्साहित होगी, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे, तो उनको भी लगेगा कि हर दुनिया में हर चीज आज की डेट में इकोनॉमी ड्रिवन है, पैसों से सब कुछ लिंक्ड होता है। अगर सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो अगर वैसी कुछ सक्सेस स्टोरी दिखेगी, दिखेगा नहीं। घनश्याम ने बहुत अच्छा किया, घनश्याम चंद बिस्मिल्लाह खान की धरोहर को आगे लेके बढ़ पाए और उसके माध्यम से वो कामयाब हुए, देश विदेश में उनकी ख्याति बढ़ी, तो वो देख के और भी लोग प्रोत्साहित होंगे। आपकी उम्र के और आपसे आने वाले जो छोटे बच्चे हैं, जो 12-10 साल 12 साल 13 साल के अब आ रहे हैं, मेरा बेटा है वो 12-10 साल का है, तो इस तरह के लोग प्रोत्साहित होंगे। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार जताता हूँ कि आपने ये समय दिया, आपने इतनी सुंदर हमको मधुर धुन सुनाई 10 मिनट के लिए, और जुड़े रहिए अमृत महोत्सव के साथ में। ये 75 साल तो चले गए, आने वाले 25 सालों में शहनाई वापस गूंजे, इसका जिम्मा अब आप जैसे लोगों के हाथ में है, हम बस इसमें आपके सहायक बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।